मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री रविवार देर शाम बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए अपने गृह जिला ऊना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऊना होशियारपुर रोड पर सोमभद्रा नदी के क्षतिग्रस्त पुल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासनिक अमला भी उप मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहा और जिला में बाढ़ से हुए नुकसान से उप मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद रखा गया है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार जनता तक पहुंचकर मदद पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के 876 से ज्यादा रोड प्रभावित हुए हैं, जबकि 400 से ज्यादा बसें ऐसी जगहों पर फंसी हैं जहां से उन्हें वापस लाना बेहद मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग को भी भारी नुकसान प्रदेश भर में हुआ। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि समूचा प्रदेश इस वक्त बाढ़ की चपेट में है और प्रदेश के कई हिस्से ब्लैकआउट हो चुके हैं। देखिए, पूरा हिमाचल प्रदेश इस समय बाढ़ और बारिश के गिरफ्त में है और पूरे प्रदेश व्यापी जो है ये माहौल बना हुआ है और बहुत भारी नुकसान जो है प्रदेश को हुआ है और उसके चलते जो है जगह जगह सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, पुल बह गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं और जो लोगों के फसलों को नुकसान हुआ है, मकानों को जो है नुकसान पहुंचा है, तो हर तरफ ऐसा ही माहौल है, ऐसा ही मंजर बना हुआ है। और हमारे यहाँ भी जो स्वान नदी जो है, सोमभद्रा जिसे कहते हैं, ये मॉर्निंग में तो खतरे के निशान के बराबर ही बह रही थी लगभग, और इस पुल को भी जो बहुत पुराना ब्रिज है, ये घालूवाल का ब्रिज, इसको नुकसान पहुंचा है और इस पे इसको ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया है। और दूसरी जगह भी जिले में स्वा ने अपना हर तरफ से लपेटा मारा हुआ है, इसलिए नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट हुई है। और खास तौर पे हमारे यहाँ कुल्लू मनाली जो है वो बहुत इफेक्ट है इस वक्त, बहुत वहाँ पे ब्रिजेस जो हैं पानी में बह गए हैं, गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं और बिजली पूरी तरह ब्लैकआउट हो रखी है। तो ऐसे में प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रखा हुआ है और ये कहा गया है कि आप मदद करें। ऊना जिला प्रशासन को भी हमने डायरेक्शंस दिए हैं। यहाँ तक आज हमारे HRTC के 876 रूट जो हैं वो इस परिस्थिति की वजह से स्थगित किए गए हैं और हमारे लिए 400 के आसपास बसेस जो हैं वो ऐसे स्थानों पे फंसी हुई हैं जहाँ पे से बाहर नहीं लाई जा सकती, और इसलिए परिवहन भी बहुत प्रभावित हुआ है। और दूसरी तरफ सिंचाई विभाग को, जल शक्ति विभाग को अब तक हमें 323 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और हमारी इस समय लगभग 3664 पानी की योजनाएं जो हैं जिनकी लागत 219 करोड़ रुपए के आसपास है जो प्रभावित हो गई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।